संजीव कुमार निसुरखा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। पिछले 12 साल से सुभाष पालेकर कृषि अपने मतलब खेत पर हम कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या गन्ने के किसान के सामने आज बिल्कुल बहुत एक आग की तरह बिल्कुल पैदा हो गई है। इस मौसम में पूरे क्षेत्र में 38 एक वैरायटी जो बहुत प्रचलित है और लोग कहते हैं कि किसान का उसने तकदीर बदल दी, लेकिन मेरा कहना ये है दोस्तों कि किसान की तकदीर बदल दी ये बात ठीक मैं मान लेता हूँ, लेकिन उसने उद्योगपति यानी जो जहर बनाने वाली कंपनी है उनकी भी तकदीर बदल दी है, उनको भी माला माल कर दिया है। लेकिन मैं सुभाष पालेकर कृषि का एक चमत्कार मैं दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा खेत है जहाँ मैं खड़ा हूँ और अपने खेत की दक्षिण दिशा के बिल्कुल सीमा पर मैं खड़ा हूँ और ये आप देखेंगे फेंसिंग है अपनी, तारबंदी हमने करी हुई है और इसके बीच में एक नाली है जिसमें हमारी पाइपलाइन दबी हुई है जिससे पानी कभी जाता था पहले, आज उसमें पानी नहीं जाता। लेकिन उसके ठीक पार एक खेत है हमारे पड़ोसी का, 38 वैरायटी है जो किसानों की लोकप्रिय वैरायटी है, मैं तो बल्कि जहर बनाने वाली कंपनियों की लोकप्रिय वैरायटी कहूँगा। और आप ये देख सकते हैं ये जहर का खेत है, जहर लगा हुआ खेत है। मैं जहर बोल इसलिए रहा हूँ साथ साथ क्योंकि जिसे आप दवाई कहते हैं उस पर साफ लिखा होता है जहर, आप पढ़ते नहीं हैं आप देखते नहीं हैं, तो जहर लगा खेत है जिसमें कंपनियों का दावा ये होता है कि ये जहर मेरा लगाओ और ये पोका बोइंग या टॉप बॉलर या कंसवा जो भी आप कहते हो अपनी भाषा में वो नहीं आएगा। तो मुझे ये लगता है कि ये ऐसा तो नहीं है कि इस केमिकल के जहर लगाने वाले किसान ने ये लगाया है, लेकिन इस खेत का शायद नहीं गया है। मैं कहूँगा कि एक एक पौधा आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये पोका बोइंग से ग्रस्त हो चुका है। और इसी के साथ साथ ठीक 4 कदम की दूरी पर ही मेरा प्लॉट है जिसमें मैं खड़ा हूँ और ये मेरी दो लाइन पार इस तरीके से लगी हुई हैं और मैं चाहूँगा कि इन पार दो लाइनों को भी बहुत आगे तक आप देखें। इसमें 38 वैरायटी है, ये भी दूसरी साल की पेड़ी है, वो भी दूसरी साल की पेड़ी है और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन कृषि वैज्ञानिकों को चैलेंज देना चाहता हूँ कि वो यहाँ आकर इस पर शोध करें। जरूरत है किसान को इस अनुसंधान की क्योंकि किसान खर्चे से मारा जा रहा है, कंपनियां मालामाल हो रही हैं लेकिन किसान की माली हालत सुधार में नहीं है। तो कृषि वैज्ञानिकों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो इस खेत पर आकर हमारे यहाँ आकर के इस चीज को समझें और इस पर अनुसंधान करें और किसानों को सही दिशा देने का काम करें। इसमें मैं दिखाना चाहूँगा साथियों कि ये आप नाली देख रहे हैं, हम केमिकल के जहर लगाने वाले किसान की तरह हम पूरा खेत पानी नहीं लगाते, यानी नाली में पानी देते हैं और इस पर हमारी मूंग लगी है, इधर पानी देंगे या इधर देंगे। तो इधर आप देखना चाहेंगे कि इन दो लाइनों की दूरी 4.5 फीट के आसपास, 4.5 फीट है, 4.5 फीट के आसपास नहीं 4.5 फीट ही है। और साथियों ये इसमें मैं दिखाना चाहूँगा आपको अंदर तक घुस के कि इसमें ये मल्चिंग है, यानी जो भी हमारे गन्ने का अवशेष पत्ता निकलता है या आजू बाजू में घास खूसा निकलता है हम उसको दराती से काट के, आप ये देख भी रहे होंगे ये जो घास कटी हुई पड़ी है ये सारा का सारा अच्छा धन में प्रयोग हम करने वाले हैं जो पौधा गन्ना है उसमें। तो मैं इसको नीचे से दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं साथियों बारा पानी नहीं लगा है, ये आप नज़दीक से देखें कि इतने कितने असंख्य जीवाणु इसमें, जीव जंतु अपना अपना काम कर रहे हैं और केंचुए की जो विष्ठा है वो आ रही है। और अब साथियों अजूबे की बात ये है कि हमारा जो ये गन्ना बिल्कुल तंदुरुस्त और स्वस्थ खड़ा है, ये मात्र 10% पानी में खड़ा है। तो आप अगर कैलकुलेशन निकाल के देखें तो हम उसमें पानी कितना लगा रहे हैं, बिजली कितना इस्तेमाल कर रही हैं, बिल कितना आता है, ये एक समझने का विषय है। तो साथियों मैं यही कहूँगा विशेषकर गन्ना कृषि वैज्ञानिकों से कि आप इस वीडियो को देख करके यहाँ जरूर आकर देखें। और किसानों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस तकनीकी को, सुभाष पालेकर कृषि की जो तकनीकी है इसको समझने का प्रयास जरूर आप यहां आकर कर सकते हैं और हम लोग इसका प्रशिक्षण भी देते हैं। तो मेरा अनुरोध ये है कि आपको अगर ये धरा बचानी है और मानव स्वास्थ्य बचाना है तो सुभाष पालेकर कृषि अपनानी है और ये मॉडल आपको बिल्कुल मालामाल कर सकता है। धन्यवाद।